तो फ्रेंड्स हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको अगर अपने मोबाइल में 5G के लिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल और आपके एरिया में 5G नेटवर्क इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा है चेक इफ़ योर फोन इज़ 5G इनेबल्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपल जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा ये, पर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपका फ़ोन 5G सपोर्ट करता होगा तो आपके सामने 5G का ऑप्शन आ जाएगा, और आपके अगर सिटी में 5G इनेबल हुआ होगा तो आपको शो हो जाएगा। अभी मेरी सिटी में यहाँ पर कोई 5G यहाँ पर इनेबल नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको 5G शो हो जाता है तो आपके पास रियलमी का, अगर आपके पास डिवाइस है रियलमी का, अगर आपके पास फ़ोन है तो ये, अगर आपके पास हैंडसेट है तो इन सभी में 5G का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कंप्लीट रियलमी का देख सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ओप्पो वीवो का सभी को बताता हूँ। Xiaomi का आप देख सकते हो, ठीक है, इनमें इन सभी में आपको यहाँ पर देख रहा हूँ मिल जाएगा 5G नेटवर्क। ठीक है, ये सभी 5G डिवाइस है। इसके अलावा ओप्पो की बात करें तो अगर आपके पास ओप्पो के डिवाइस है तो ये सभी ओप्पो के फ़ोन यहाँ पर 5G से यहाँ पर 5G में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा वीवो की बात की जाए तो वीवो के सभी आप फ़ोन देख सकते हो, ये सभी आपको 5G कनेक्टर के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद IQ यहाँ पर इसका देख सकते हो, ये सभी ये डिवाइस है, ये सभी 5G के साथ आते हैं। एप्पल के यहाँ पर आप बात करते हैं, एप्पल का 12 भी नहीं आता है, ठीक है, 12 प्रो आता है, ये सभी यहाँ पर 5G के साथ आते हैं। वन प्लस की बात करें तो वन प्लस के ये सभी मोबाइल है, इन सभी को आप देखते हो, ये सभी 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग के ये सभी मॉडल है, ये सभी 5G कनेक्टिविटी के साथ में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका कौन सा मोबाइल है यहाँ पर, इन सभी को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट चेक करने के बाद में अगर फ्रेंड्स आपका डिवाइस 5G कनेक्टिविटी को यहाँ पर सपोर्ट करता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल अब आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को कट करना है और आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। आपको सिंपल अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में अगर आपका फ़ोन 5G कनेक्टेड है, यानी 5G को सपोर्ट करता है और आपकी सिटी में 5G यहाँ पर इनेबल है, तो यहाँ पर आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो फिर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, आपके पास यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स अगर आपका डिवाइस 5G कनेक्टेड होगा यानी 5G को सपोर्ट करता होगा तो यहाँ पर पेपर नेटवर्क टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ पर डिवाइस भी 5G नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे 4G का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर अगर आपका 5G होगा फोन तो आपको यहाँ पर 5G का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको इसको सेलेक्ट करके सेव कर देना है। आपके डिवाइस में 5G एक्टिव हो जाएगा और आपकी जो भी 5G की स्पीड है आप चेक भी कर पाओगे और काफ़ी अच्छे इंटरनेट का आप यहाँ पर यूज़ भी कर पाओगे। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में 5G आपके एरिया में यहाँ पर सर्विस है या नहीं है 5G की, वो भी चेक कर सकते हो, और आपके डिवाइस 5G है नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो।